राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी जारी है। शिक्षक बातचीत के लिए बुलाने पर अड़े हुए हैं। हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने, वेतन का एरियर जारी करने और निजी कंपनियों को बाहर करने की शिक्षक मांग उठा रहे हैं। सरकार से वार्ता नहीं होने की स्थिति में शिक्षकों ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है। उधर सर्द मौसम के बीच मंगलवार को भी चौड़ा मैदान में ही तंबू लगाकर शिक्षकों ने दूसरी रात काटी। सोमवार भी शिक्षक यहीं रहे थे। बुधवार को भी शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को दिनभर चौड़ा मैदान में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। वेतन एरियर नहीं मिलने और निजी कंपनियों को बाहर करने की मांग को लेकर 2400 व्यावसायिक शिक्षक सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वोकेशनल शिक्षक संघ के बैनर तले वोकेशनल शिक्षकों ने मंगलवार को भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्थायी नीति की मांग उठाई। उधर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश के 1100 से अधिक सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा की पढ़ाई नहीं हुई। वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्विनी डटवालिया ने बताया कि प्रदेश के सरकारी उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में साल 2013 से 9वीं से 12वीं कक्षा तक छात्र छात्राओं को वोकेशनल शिक्षा के विषय को पढ़ाए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में 80,000 से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं। वोकेशनल शिक्षकों को निजी कंपनियों के माध्यम से नियुक्त किया गया है। शिक्षकों के लिए हरियाणा की तर्ज पर नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां मनमानी कर रही हैं, समय पर वेतन की अदायगी नहीं होती। सरकार के निर्देशों के बावजूद वेतन का एरियर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने वोकेशनल शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन बंद करने की अपील की है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अक्टूबर में शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया था। उनकी मुख्य मांग थी कि वेतन में बढ़ोतरी की जाए। इस मांग को देखते हुए सरकार ने 2000 की वेतन में बढ़ोतरी की है। वर्तमान में 17 कंपनियों के माध्यम से वोकेशनल शिक्षा दी जा रही है। 2400 वोकेशनल शिक्षक प्रदेश भर में नियुक्त हैं। उन्होंने बताया कि 17 में से 16 कंपनियों ने अपना एरियर समय पर दे दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जिस कंपनी ने एरियर नहीं दिया है, उससे समग्र शिक्षा निदेशालय ने जवाब तलबी की है। अगर कोई कंपनी नकारात्मक सोच के साथ कार्य करेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी कंपनियों को बाहर कर दिया जाएगा। बता दें कि बीती देर रात मंडी दौरे से वापस आकर नेता प्रतिपक्ष 9:15 बजे सीधे चौड़ा मैदान पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन कर रहे वोकेशनल टीचर से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात कर उनसे समस्याओं को समझा और उनकी मांगों के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने सभी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स से लेकर सभी अस्थायी या गैर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक पॉलिसी बने, जिससे कर्मचारी का शोषण न हो पाए। पूर्व में हमारी सरकार द्वारा इसके लिए प्रभावशाली कदम उठाए गए थे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से आग्रह किया कि ठंडी का मौसम है, इसलिए छोटे बच्चों को प्रदर्शन स्थल पर ना लाएं। उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया कि प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मांगों पर मुख्यमंत्री गंभीरता से विचार करें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।